ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिरकार क्या कारण है कि हमारी राशि के जातकों का मन अशांत होता है? मन अशांत होने की वजह से किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, हमारा आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर रहता है और हम जो चीज़ें कर रहे हैं करते करते कामों में सफलता भी नहीं मिलता। तो मन की अशांति के पीछे कौन से ग्रह आपके लिए दोषी हैं, उसके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? कि अगर आपका मन बार बार अशांति के लिए आप इसकी वजह से आपके मन में भटकाव हो रहा है तो इसके लिए आपको वाकई में करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात है कि आपकी मानवता, आपकी अच्छाई और हर एक व्यक्ति की मदद करने का शुद्ध भाव, ये इसके बीच एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? जब आप किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते और आप मदद करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास बहुत आपकी संवेदनाएँ, आपकी भावनाएँ जितनी हैं वो बहुत ही गंभीर है और बहुत संवेदनशील है। आप किसी व्यक्ति पर अन्याय, गलत चीज़ें नहीं देख सकते और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण और कुछ मजबूरियां हैं कि हम उन कारणों से उसकी मदद नहीं कर पाते और वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे या हम उस व्यक्ति के बारे में उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो हमारे मन को बहुत बहुत ज़्यादा कचोटता है। दूसरा है कि हम खुद को बहुत जज करते हैं। अगर हम गलत हमें बर्दाश्त नहीं है, अगर हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है तो किसी और के लिए नहीं, तो हम खुद को बहुत जज करते हैं कि कहीं हमने कुछ चीज़ें गलत तो नहीं की, कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं की, और उस वजह से हमारी परेशानियां और बढ़ जाती है। तो खुद को जज करना भूल जाए। तीसरी बात है कि आप दूसरों को खुश करने में अपने सब कुछ सर्वत्र निछावर कर देते हैं। आप खुद को खुश रखने पर ज़्यादा ध्यान दें, दूसरे तो खुश हो ही जाएंगे क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए आप अपना धन, समय, सब चीज़ें देने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं। तो आप खुद की खुशी को पहले आइडेंटिफाई करें, खुद की खुशी क्या है वो ज़रूरी है। चौथी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, आपके पास जो आपका इनर वॉइस है, आपकी अंदर की आवाज़, आप उसकी सुने, लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आएं। इनर आवाज़ आपको हमेशा सही करेंगे क्योंकि आप बहुत शुद्ध, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं अंतरात्मा से और ईश्वर आपका हमेशा साथ देता है। अगर आपको वीडियो कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।